मैं सुबह 5 बजे उठा, 6 बजे अपनी राइड स्टार्ट की, कुछ खाया पिया नहीं था तो अपने बैग के अंदर ही सारी चीज़ें ले ली, जैसे कि मसाले वाले आलू, मखाना, चाय। एंड उसके बाद मैं रास्ते में बैठ के खाया और फक नहीं, तो वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन इन राइडर ड्रीम्स। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। एंड आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि 2 महीने तक मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला है। लास्ट वीक जो व्लॉग डाला है वो तो 4 महीने पहले शूट किया था और यूट्यूब का एल्गोरिदम ना बिगड़े मेरे चैनल पे, इसलिए मैंने वो व्लॉग डाल दिया है। सो फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद मैं एक ट्रिप मार रहा हूँ, एक बहुत ही छोटी सी ट्रिप है। एंड राइट नाउ मैं कहाँ हूँ, अभी मैं मुंबई से 150 किलोमीटर दूर एक जगह पे हूँ जो बहुत ही कम जन को मालूम है, और ये जगह नेचर के बहुत ही क्लोज है। यहाँ पे आप पीछे से देख सकते हो डैम है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वियर है, यहाँ पे खेत है, यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ है, यहाँ पे झरने हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, लोग बेसिकली लोनावला वगैरह जाते हैं, लेकिन मैं कुछ ऑफ बीट करना चाहता था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। मैं अपर वैतरणा डैम के पास हूँ, आप देख सकते हो मेरे पीछे जो डैम है और उसके पीछे बहुत बड़ा वाटर रिजर्वियर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइज राइट नाउ वी आर इन अपर वैतरणा लेक, एंड ये जो आप लेक देख रहे हो यहाँ का पानी इतना साफ है ना कि मैं क्या कहूँ यार। ही देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे कैमरा मैन को बोलता हूँ प्लीज़ ये दिखाइए यहाँ का पानी कितना साफ है। आई थिंक ये अभी आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। तो बेसिकली वैतरणा लेक है, इसे गौमुख भी कहते हैं, गौमुख लेक भी कहते हैं बहुत सारे लोग। एंड यहाँ का जो लेक का पानी है ये पूरे के पूरे मुंबई को सप्लाई करता है, एटलीस्ट लाइक 30-40% मुंबई को ये वैतरणा लेक पानी सप्लाई करता है। एंड यहाँ का लेक का पानी कितना साफ है, कम ये तो देखा आपने कितना क्लियर ये पानी है। एक्चुअली वो जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी भी आपको दिखी होगी ना, वो मैंने ही अपने पैर से जो धूल है वो फैलाई थी। ओके ये अलार्म बज रहा है मेरा, तो मैंने ही अपने पैर से जो धूल है वो फैलाई थी। यहाँ पे बैठने की इतनी खूबसूरत जगह है, लाइक अगर आप कपल के साथ में आ रहे हो तो ये देखिए दरिया, मतलब ये झील के किनारे बैठने की ये बहुत ही खूबसूरत जगह यहाँ पे दी है। आप इजीली अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। एंड ये पानी इतना ठंडा है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। मुंबई से 150 किलोमीटर दूर है ये जगह, एंड ये टोटली मैं आपके ऊपर सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो। ये एक बहुत ही छोटा सी पैच है जो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसके उस साइड डैम के उस साइड और यहाँ के इस साइड ज़्यादा कुछ नहीं है, गाँव वगैरह ही है, तो इतना अट्रैक्टिव नहीं रहता है। जो कुछ भी है यही है, एक पतला सी रोड है जिसके एक साइड पर झील है और दूसरे साइड पे भी झील है और डैम है, और कुछ बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें यहाँ पे पानी की जो पत्थर से टकराती है। तो लाइक अब मैं क्या कहूँ, अगर मुझे ये जगह को रेट करना पड़े तो ये जगह को मैं अभी जो कंडीशन है, लाइक जो वेदर की कंडीशन है उसके हिसाब से मैं 10 में से 4 या 5 इसको दूंगा। और अगर आप बरसात में आते तो बहुत ही ग्रीनरी होती है तो 10 में से आप समझ सकते हो 6, लेकिन अच्छी जगह नहीं है। लाइक अगर आप लोनावाला वगैरह या महाबलेश्वर वगैरह इससे समझ के आओगे तो आप कहाँ ना कहाँ पे डिसअपॉइंट होगे, कॉल मुंबई से इतना दूर आना और एक बस एक बहुत ही छोटे से पैच को देखना।
तो मुंबई की तरफ अभी हम निकल चुके हैं एंड मुंबई यहाँ से 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर के लिए हमें तकरीबन 3 घंटे लगेंगे। एंड आप बोलोगे वो क्यों, क्योंकि बीच में कसारा घाट आता है और घाट पे बहुत तेज गाड़ी नहीं चला सकते। और ये गांव का रोड है तो ये रोड को भी देख के आपको ऐसा लग सकता है कि हम तेज यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। बहुत ही गंदा रोड है। कुछ रोड बहुत अच्छे मिलेंगे ये जगह पे आपको, कुछ रोड बहुत गंदे मिलेंगे ये जगह पे। कंटिन्यूसली 1 घंटे से बाइक चला रहे हैं एंड बहुत थक गया हूँ यार मैं बहुत ज्यादा। ठंडा पीने का बहुत मन कर रहा है, बाइक को भी जरा आराम कराने का मन कर रहा है। तो बस एक जीरा सोडा पी के यहाँ से चल रहे हैं। हे अल्लाह, सो बीच में ही पड़ता है ये करिश्मा का ढाबा, तो अभी हम यहाँ पे आए थोड़ा खाना खाने के लिए, जस्ट एक दाल खिचड़ी, क्योंकि बहुत दिमाग की खिचड़ी हो गई है इसलिए। यहाँ पे दो चीज मेरी जो सबसे फेवरेट है, चना लहसुन और दाल खिचड़ी। और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, चिकन तंदूरी मस्के में बनी हुई, तो फिलहाल अभी तो वो नहीं खा रहा हूँ, बस चना लहसुन और दाल खिचड़ी। तो ये है चना लहसुन। इस लहसुन को पूरा तेल में तल के पूरा फ्राई करते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, और ये चने को मसाला में मिला के इसको भी फ्राई करते हैं और ये क्रिस्पी हो जाता है। कॉम्बिनेशन बहुत अजीब है सॉफ्ट और क्रिस्पी का, कभी आके ट्राई करना आप, ये आके सभी ढाबे में बहुत फेमस है। ये साथ में मिलाओ और ये दाल की फ्राई, ये एक किलर है, किलर। आप कितना भी नॉन वेज किलर खा लो ये कहीं पे भी चलती है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है और कितना भी खा लो खाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि मुंह के अंदर ज्वालामुखी फूट गई है और बहुत सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं, बहुत सारे गरम मसाला, लहसुन, अदरक और मज़ा। So finally we are going from here. जो भी खाना ये हो गया हमारा।